हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ। आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आज आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी निकालने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा दो डेक्स यूज़ करती हूँ ताकि मैं रीचेक कर सकूँ कि क्या कलेक्टिव लेवल पे सेम एनर्जीज़ हैं या कुछ डिफरेंट एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं, कैसी चल रही हैं। फाइव कार्ड्स, पेज ऑफ एयर, थ्री ऑफ एयर, सिक्स ऑफ एयर, द हर्मिट, सिक्स ऑफ वाटर एंड अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ अर्थ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। फाइव कार्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपने कुछ नोटिस किया? आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मतलब एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन क्लियर कम्युनिकेशन को दिखाता है, एयर साइन यहाँ पर रूड कम्युनिकेशन को दिखाता है। अपने लाइफ से किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं, अपनी किसी सिचुएशन को कट ऑफ करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से में लग रहे हैं आपके पार्टनर्स आज के दिन में। यहाँ पे अगर मैं साइन बताऊँ तो यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एयर साइन, सिक्स ऑफ एयर, पेज ऑफ एयर, थ्री ऑफ एयर, देन वी हैव यहाँ से भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, देन वी हैव कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर्स बहुत टाइम से इंतज़ार में हैं, वेटिंग, कब इनका बोझ ख़त्म होगा, कब ये अपने लिए जीना शुरू करेंगी या करेंगे, कब ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेना चाहते हैं जो वो ले पाएंगे, कब ये किसी ऐसे सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जिस स्टक सिचुएशन में ये बिल्कुल खुश नहीं हैं। इनके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे समाज की, चाहे फैमिली की, चाहे लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या ऐसे किसी मैरिज में स्टक हो गए हैं या हो गई हैं जहाँ से ये तुरंत निकल जाना चाहते हैं बट फिर भी झेल रहे हैं सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। इस तरह का बर्डन इनके ऊपर है, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो उनके लाइफ में उनका करियर सेटल नहीं है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो आपसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। कभी आपसे बात कर लिया, कभी आपको मैसेज कर दिया, फिर इन्हें कई बार ये भी लगता है कि क्या मैं इनके लिए डिज़र्विंग हूँ, क्या मैं इन्हें वो लाइफ दे पाऊँगा या दे पाऊँ, मतलब इस तरह की भी थाट्स इनके चलते रहते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से कई लोगों के पार्टनर की एक तरह से कर्मा क्लिंजिंग हो रही है।
कुछ लोगों को लगता है कि अवेकनिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की होती है या अवेकनिंग सिर्फ किसी हायर सोल्स की होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ये थॉट्स निकाल दीजिए, धरती पर जो भी शख्स आया है वो अवेकन हो सकता है, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी की अवेकनिंग होती है, अगर कोई भगवान के बारे में या अपने लाइफ में एक सही ट्रैक को चुनता है, तो वो अवेकन पर्सन है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ट्विन फ्लेम हो या कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो या डील कर रहा हो किसी से तो ही वो अवेकन होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम हमारे लाइफ में कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मैं स्पिरिचुअली अवेकन हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं या वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं या उन्हें सही गलत का अंदाज़ा है, तो वो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो हर शख्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई पर्सन एक नेक व्यक्ति है जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो बहुत एज में हो, 60+ हो, 70+ हो, कई लोगों की अवेकनिंग बहुत लेट होती है, आफ्टर 60 ईयर्स उनको समझ में आता है कि अरे मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही बस पैसे रुपए और 3D मैट्रिक्स की चीज़ों पे खर्च कर दी, तो अब मैं अच्छे काम करूँगा या करूँगी। कुछ लोग बहुत जल्दी अवेकन हो जाते हैं, उन्हें ऐसा ज्ञान मिल जाता है जिससे कि वो एक सही डायरेक्शन को चूज़ कर पाते हैं या कर पाती हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर शख्स की होती है, और उसे वो किस हद तक लेता है, किस हद तक अपने आप को सही डायरेक्शन में यूज़ कर पाता है, वो उसकी अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सोलमेट से डील कर रहे हों, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कार्मिक जर्नी में हो, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी गलती का रियलाइजेशन करने के बाद सुधरने की कोशिश करता है, तो वो एक तरह से अवेकनिंग प्रोसेस ही होता है। अवेकनिंग मतलब कि आपको इतना ज्ञान हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स रियलाइजेशन फेज़ में हैं। रियलाइजेशन फेज़ क्यों आ रहा है? क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स जो कंजंक्ट हो रहे हैं, अब जैसे कैप्रिकॉन जो राशि है उसमें पांच पांच प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, सन हो गए, ठीक है। तो जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जब वो कंजंक्ट होते हैं तो कुछ मेजर चीज़ें धरती पर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ से कर्माज रिलीज़ होंगे, फटाफट से कर्मा रिलीज़ होंगे। कर्मा क्या होता है? आपका जिनके जिनके साथ अकाउंट बैलेंस है वो रिलीज़ होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स भी अगर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में भी अवेकनिंग होगी कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो किसी गलत को चुने थे तो वो अब सही को चुनेंगे, जो गलत है उसको रिलीज़ करेंगे। वैसे ही आपकी भी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। आपके भी लाइफ में हो सकता है कुछ दोस्त, कुछ मित्र, कुछ रिलेटिव्स या आपके कोई अपने रिलीज़ हो रहे होंगे या आपको ट्रिगर दे रहे होंगे, आप पे अटैक कर रहे होंगे, कार्मिक अटैक सबके ऊपर हो रहा होगा। तो आपको भी अब क्योंकि आप बैलेंस्ड हैं, आप अवेकन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल से डिसाइड करना है या डील करना है। तो वैसे ही अब आपके पार्टनर भी अवेकन हो रहे हैं, उन्हें भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा था या क्या गलत कर रही थी और अब मैं क्या सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। साथ ही ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी इनकी मेमोरीज हैं उन सबको रिकॉल करते हैं या करती हैं, चाहे इनके ऊपर कितना भी बोझ हो, कितना भी बर्डन हो, लेकिन जब भी ये अकेले होते हैं ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ रिटर्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या अवेकनिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम की ही होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो भी आप अवेकनिंग से गुजरेंगे। अगर आप एक प्योर सोल हैं, भले आप किसी जर्नी का पार्ट ना हो, बट अगर आप एक प्योर सोल हैं तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप अवेकन हो सकते हैं। और अगर आपको सही गलत का अंदाज़ा लगना शुरू हो गया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या आपका इंट्यूशन अगर पावरफुल हो रहा है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं
और आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, अपनी सोल को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो आप अवेकन हो रहे हैं। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है कुछ लोगों का कि मैम क्या जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या जो भी आप बताते हो, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जर्नी की है? बिल्कुल नहीं, ये सबका अधिकार है। और जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा अपनी सोल के ऊपर, वो अवेकन होगा। राइट। सो ये आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशन है इस वक्त। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। इतने सारे साधु, इतने सारे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सब ट्विन फ्लेम थोड़ी होते हैं, है ना? जो अवेकनिंग से गुजरते हैं, जिन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत की है, या जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो लाखों करोड़ों लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सब ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कोई लाइट वर्कर्स है, कोई स्टार सीड्स है, कोई अपना पर्पज़ लेकर आया है। ठीक है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखिए, सिक्स ऑफ कप्स करंट एनर्जी में भी आया है और नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। मेमोरीज ऑफ लव, एट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ट्रुथ, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेक्रीफाइस, टू ऑफ कप्स, थ्रोट चक्रा, एट ऑफ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस कर्मा साइकिल से तो रिलीज होंगे ही, लेकिन यहाँ पर डबल एट की एनर्जी है, तो कर्मा साइकिल से रिलीज हो या टाइम लगे या प्रोसेस में हो, लेकिन आपसे बात होगी। यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है। ये आपको सारी सच्चाई भी बताएंगे, इनके लाइफ में इन्होंने क्या क्या फेस किया, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाकर इनको कितना पछतावा हुआ है, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपसे ब्रेकअप किया है, तो इसका रियलाइजेशन भी होगा। इनका थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉकेज था, ये कुछ बोलती नहीं थी या बोलते नहीं थे या एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो ये सब कुछ एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनियन की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फेब्रुवरी में यूनियन की बरसात होगी, और मैंने नवंबर में भी कहा था, अक्टूबर नवंबर, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सालों सालों के बाद, महीनों महीनों के बाद उनका यूनियन हुआ था। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स दिमाग से बहुत स्ट्रेस्ड में, स्ट्रेस सिचुएशन में रहेंगे, तो आप उनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो आपके लिए मतलब अपना दिल खोल कर आपके सामने रख दें कि मतलब अब बस फ्लैट हो गए, ऐसा नहीं है। उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा आपको साइलेंस दिखेगा, हो सकता है कि आपसे कम बात करें, या पूरा दिल ओपन करके आपके सामने ना रखें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके उन्होंने कितना कुछ रियलाइज़ किया है। हो सकता है कुछ लोग बोल दें, कुछ लोग छुपाने की कोशिश करें, रेजिस्ट करने की कोशिश करें, तो उन्हें उनका स्पेस दीजिएगा। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? एम्प्रेस, लव बिगिंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन ट्रांसफॉर्मेशन। इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन उसके पहले मेजर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। जो भी हो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, थ्री नंबर इंडिकेट्स सो मच सिचुएशंस, तो सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, बट यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनसे भी इनको रिलीज होना है, यूनिवर्स की गाइडेंस पे ये अलग होंगे उनसे। मदर गाया की एनर्जी है, ये सरेंडर कर रहे हैं, ये एक तरह से सरेंडर का कार्ड है। देखिए, ये हाथ जोड़कर व्यक्ति सरेंडर कर रहा है कि अब भगवान मैं आपके शरण में हूँ, अब आप बचाओ मुझे इस मुसीबत से। और जैसे ही आपके पार्टनर ये सरेंडर करेंगे, तो यहाँ पर मदर गाया अपना काम कर रही हैं पूरी तरह से। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी लगी है आप लोगों के लिए, तो आप फेथ रखिए, भरोसा रखिए। यूनियन की एनर्जी आई है,
न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ। मैसेज का कार्ड आया है एंजल्स, आए हाय, पेशेंस रखो, पेशेंस गाइस। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया है, सी दिस। सो क्या बोलूँ मैं, अब बस पेशेंस रखिए। जब भगवान खुद आपके साथ लगे हैं तो दुनिया कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती है, है कि नहीं। अब भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, भरोसा है तो वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी, और भरोसा नहीं है तो आती हुई चीज़ भी निकल लेगी कि भाई इसे तो भरोसा ही नहीं है, तो अभी इसको और अवेकनिंग की ज़रूरत है, अभी और इसको सरेंडर करने दो। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो ना कि मुझे पता है कि अब ये चीज़ होगी, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड शैडो, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आज। रिस्पेक्ट एंड शैडो, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं होम कमिंग, आपके पार्टनर आने वाले हैं आपकी तरफ, रिटर्न। रिस्पेक्ट एंड शैडो, यहाँ पर आप रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके लिए एंजल्स लगे हैं, आपके लिए यूनिवर्स काम कर रही है, आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके लव वाइब्रेशन को रेज़ करने के लिए लगी हैं, क्योंकि आपके यूनियन से जो एक ट्रू लव होता है उसके यूनियन से मदर गाय की वाइब्रेशन रेज़ होती है, तो अगर आपके लिए इतनी ज़्यादा पावर्स लगी हैं तो आपके लाइफ में आपको ट्रस्ट तो ज़रूर करना चाहिए और उन पावर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पावर्स हों आपके लाइफ में, आपके एंसेस्टर्स हों, आपके स्पिरिट गाइड्स हों, आपके हीलर्स हों, आपके गुरु हों, आपके गाइड्स हों, ठीक है। तो रिस्पेक्ट कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। साथ ही यहाँ पर मिरर की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और यूनिवर्स भी आपको मिरर करती है। तो अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि आप पार्टनर को मिरर कर रहे हैं या पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, तो वो तो सही है ही, लेकिन आप दोनों को यूनिवर्स भी मिरर करती है। जो आप यूनिवर्स को भेजेंगे वही रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट बैक होगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो अपने शैडो साइड पे काम कीजिए, कुछ भी गलती से भी ऐसा डाउट क्रिएट मत कीजिए जिससे कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। सो ये आपके लिए आज की गाइडेंस है, होप आपको इस गाइडेंस से काफ़ी हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच एंजल्स। ये मिरर बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा ही मिरर ख़रीदना है या मैं बनवाऊंगी स्पेशली ऑर्डर करके, क्योंकि मैंने इस तरह का एक मिरर मैंने देखा एक सीरीज़ में, मेरा फेवरेट सीरीज़ है। पता नहीं नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बट बहुत ही पसंदीदा मेरा सीरीज़ है, और मैं जब भी टाइम पाती हूँ ना, क्योंकि मुझे आप देखोगे मैं 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, मैं समटाइम्स बहुत लेट तक मैं सबकी रीडिंग सेंड करना, एडिट करना, जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं तो वो सब करने में लगी रहती हूँ, लेकिन बहुत रात हो जाती है समटाइम्स, तो मैं 1:30-2 बजे तक मेडिटेशन करूँ फिर सोऊँ। मेरी मम्मा भी आके चिल्लाने लगती हैं समटाइम्स की, अरे भाई सो जाओ, तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। बट मैं एक सीरीज़ देखती हूँ, उसमें यही मिरर गिफ्ट किया था एक क्वीन ने अपने किंग को, तो मुझे ये मिरर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और जब मैंने ये डेक ख़रीदा था एंजल का और ये मिरर मैंने देखा, तो मुझे ऐसा वही सीन याद आ गया कि वाह, ये सेम ही मिरर है। ये मिरर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये मिरर। चलिए मैं फालतू की बातें करने लगी आपसे, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।